गाइस, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की खगोलीय वस्तु है, जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। उससे भी मजे की बात यह है कि कोई भी चीज उसमें गिर तो सकती है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकती। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग और एंडिंग दोनों देख पाओगे। गाइस, ये अमेजिंग साइंस का फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हीरा यानी कि डायमंड बहुत ही महंगा बिकता है क्योंकि वो बहुत रेयर है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे हर दिन डायमंड बनता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूके की एक सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वुजोंग जो का कहना है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 मिलियन हीरे के कण बनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ये कण जल भी जाते हैं। अब वो इस चीज पे शोध कर रहे हैं कि कैसे इस प्रक्रिया से सस्ते हीरे बनाए जा सके। पर जिस दिन सस्ते हीरे बन गए, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।